गाइस, आज की भागती दौड़ती दुनिया में अनिद्रा रोग यानी कि नींद नहीं आना सबसे कॉमन बीमारी है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इंसान नींद लेता क्यों है? वो इसीलिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि मात्र 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वो आपको उतना ही रिलैक्सेशन देगा जितना कि 2 घंटे की नींद। गाइज, महात्मा गांधी जी को हम ही नहीं पूरी दुनिया शांति दूत के नाम से जानती है। मतलब जब भी पीस या शांति की बात आती है तो हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत ही अनबिलीवेबल फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार, जी हां 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें 1 भी बार इसके लिए चुना ही नहीं गया। कितनी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया उनका नाम शांति के लिए लेती है, लेकिन शांति का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज उन्हें कभी दिया ही नहीं गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को फंक्शनिंग यानी कि काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। लेकिन हमारे शरीर में आंख का ये कॉर्निया एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसमें ब्लड जाता ही नहीं है। पर सवाल यह है कि फिर ये काम कैसे करता है, इसे ऑक्सीजन कहां से मिलती है? एक्चुअली हमारा आंख का ये कॉर्निया सीधे सीधे हवा के कांटेक्ट में है, एज यू कैन सी, तो वो वहीं से ही अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेता है जिससे उसकी फंक्शनिंग जारी रहती है। गाइज, क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पोजीशन है, और जो व्यक्ति इस पोजीशन पे होता है उसे पूरे देश की भागदौड़ संभालनी होती है, और अक्सर हमने इस पोजीशन पे एज्ड लोगों को ही देखा है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का है और उसका नाम क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो एक महिला है जिनका नाम है सना मरीन, और जो कि 2019 में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी। जब उन्हें चुना गया था तो उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, गूगल और यूट्यूब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदा था? और मजे की बात यह है कि गूगल ने उस टाइम यूट्यूब का सीईओ सुजैन वोजिस्की नामक महिला को बनाया, और ये वही महिला थी जिसने 1998 में लैरी पेज और उसके दोस्त को गूगल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना गैराज रेंट पे दिया था, और बाद में एज एन एम्प्लॉई उसने गूगल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और आज वो यूट्यूब की सीईओ हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? ऐसी घटना है यूएस के ओरेगन शहर की, जहां पर बारिश आने पर एक बंदा बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा था। इतने में जैसी पुलिस को यह जानकारी मिली, पुलिस आई और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जब उस बंदे ने पुलिस से पूछा कि मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, तो पुलिस ने कहा कि बारिश का पानी स्टेट की प्रॉपर्टी है और आप उसे इकट्ठा नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसे सजा मिली जो मिली, उसके ऊपर $1,500 का फाइन भी लगाया गया। गाइस, इस विचित्र घटना पे आपका क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।